हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूं कि आपके सिटी पर 5G आ चुका है, लेकिन आप अपने स्मार्टफोन में क्यों 5G यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो अभी हम बात करेंगे कि आपके सिटी में 5G आ चुका है, लेकिन आप 5G फोन में क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, देयर आर लॉट ऑफ यूजर्स हु बॉट ए 5G स्मार्टफोन ए लॉन्ग टाइम बैक टू एक्सपीरियंस 5G नेटवर्क। ये तो ऑब्वियसली है, 2020 या 19 में ही आ चुका था 5G फोन, तभी से हम लोग खरीद रहा हूँ 5G फोन, ठीक है। लेकिन अभी ही 5G लॉन्च हुआ है इंडिया में। द लेटेस्ट नेटवर्क इज अवेलेबल इन इंडिया। सेवरल पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेस 5G सर्विसेज इवन दे आर बेस्ड इन ए सिटी दैट इज 5G रेडी। मैं अभी बोला कि आपके सिटी में 5G आ चुका है, लेकिन आप क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका दो रीजन है, ठीक है। तो देखिए, द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स नीड टू पुश आउट ए सॉफ्टवेयर अपडेट टू एनेबल 5G ऑन मोस्ट फोन्स। तो मतलब एक सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा आपके फोन में, तभी आप 5G यूज कर पाएंगे। आपका फोन जो है वो 5G एनेबल है, लेकिन अभी एनेबल करके नहीं दिया है कंपनीज ने। तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट जब देगा तो आपका फोन 5G एनेबल हो जाएगा, तब आप यूज कर पाएंगे। बट व्हाई, क्यों ऐसा क्यों किया है मतलब कंपनी ने। अभी देखिए, द टेक कंपनीज हैव बीन लॉन्चिंग 5G डिवाइसेस बिफोर द नेटवर्क वाज रोल आउट इन इंडिया। तो कंपनी लोग तो पहले से ही मतलब फोन बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन 5G अभी आया है, वही बोला है, अभी रोल आउट अभी ही हुआ है 5G, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी बैंड्स वर नॉट अवेलेबल उस समय पे, 5G जब नहीं था तो फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऑब्वियसली नहीं रहेगा हमें। सो OEM नीड टू रिलीज एन अपडेट टू एनेबल एंड ऑप्टिमाइज द रेडियो फ्रीक्वेंसीज फॉर 5G। तो ऑब्वियसली उसका मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट देने से ही आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा रेडियो फ्रिक्वेंसीज 5G का, तभी आप फोन में यूज कर पाएंगे, अकॉर्डिंग टू प्रभ शर्मा, सीनियर एनालिस्ट ऑफ डिवाइसेस एंड इकोसिस्टम्स एट काउंटरपॉइंट रिसर्च, ठीक है। अभी देखिए, रिलायंस जियो ऑल्सो रिपोर्टेड दैट, रिलायंस जियो ने कहा क्या 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 है, देखिए, मोस्ट 5G डिवाइसेज विल बी कॉम्पेटेबल विद जियो 5G नेटवर्क, बट सम डिवाइसेज मैट रिक्वायर सॉफ्टवेयर अपडेट। अभी मैं जो बोला है, सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए फोन को मतलब 5G एनेबल करने के लिए, which will directly get pushed in your phone from the device brands। मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट कंपनी ही देगा, घुमा फिरा के वही बोल रहा है। उसके बाद देखिए, प्लीज इंश्योर दैट यू इंस्टॉल द अपडेट टू मेक योर फोन 5G रेडी। उसका मतलब क्या है, आप अगर 5G यूज करना चाहते हैं तो जब वो अपडेट आएगा आप प्लीज उसे इंस्टॉल कर लीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट को। वी आर वर्किंग क्लोजली विद ऑल मोबाइल डिवाइसेज ब्रांड्स टू इंश्योर दिस अपडेट्स मेड अवेलेबल एट द अर्लीस्ट। मतलब वो जियो यही कोशिश कर रहा है कि मोबाइल सब भी मोबाइल ब्रांड्स में वो काम कर रहा है ताकि जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाए सभी लोगों को, ठीक है। फिर देखिए, फर्दरमोर पीपल नीड टू मेक चेंजेस इन देयर फोन सेटिंग्स। हाँ, अभी देखिए, अभी हम लोग 4G यूज कर रहे हैं, तो 5G यूज करने के लिए सेटिंग्स में ऑब्वियसली आपको 5G एनेबल करना पड़ेगा सेटिंग्स में, तो वही बोल रहे हैं। अभी देखिए अच्छा से, फर्दरमोर पीपल नीड टू मेक चेंजेस इन द फोन सेटिंग्स सेक्शन टू एनेबल 5G, ठीक है। उसका मतलब क्या है, आपको 5G एनेबल करना होगा सेटिंग्स में जाके। इफ यू हैव नॉट अपडेटेड द सेटिंग सेक्शन देन यू विल नेवर बी एबल टू यूज 5G। मतलब अगर आपका फोन में अगर 4G का ऑप्शन ही चूज किया हुआ है तो आप 5G कैसे यूज कर पाएंगे। फॉर दिस यहाँ में क्या करना है, आप यहाँ देखिए, गो टू द सेटिंग्स टैब, विजिट कनेक्शन, मतलब सेटिंग्स के बाद आपको कनेक्शन और मोबाइल नेटवर्क में जाना पड़ेगा, फिर 5G नेटवर्क को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 5G नेटवर्क मोड को, ठीक है, तब आप 5G यूज कर पाएंगे। अभी लास्ट में देखिए, बोथ एयरटेल एंड रिलायंस जियो हैव लॉन्च 5G ट्रायल्स इन डिफरेंट सिटीज, ठीक है, बहुत अलग अलग जगह में। ये पिछले एक वीडियो में ही बता चुका था मैं, जियो 5G नेटवर्क इज अवेलेबल इन 4 cities। थर्ड सिटी में अभी जियो 5G है, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी और दिल्ली में। द टेलीकॉम कंपनी विल स्प्रेड 5G ऑल ओवर कंट्री बाय दिसंबर 2023 तक ऑल ओवर इंडिया 5G एनेबल हो जाएगा जियो में, मतलब जियो नेटवर्क में। एयरटेल अभी क्या कर रहा है, देखिए, एयरटेल अंडरहैंड हैज स्टार्टेड 5G रोल आउट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर एंड वाराणसी। ये 8 शहरों में मतलब 5G लॉन्च किया है। इट हैज बीन अनाउंस्ड दैट 5G विल बी मेड अवेलेबल इन ऑल की मेट्रोस एट द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब 2022 का एंड में ही ये कर मतलब 5G एनेबल हो जाएगा एयरटेल। एयरटेल ज्यादा फास्ट है, मतलब आपको पता चल ही चुका है।
and will offer 5G coverage all across major cities of India by December 2023. तो सॉरी मतलब हाँ सिटीज में तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन गांव शहरों में जाने के लिए December 2023 तक लग ही जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। सेम ही है, जियो का भी December 2023 है और एयरटेल का भी December 2023 है। यूजर्स कैन विजिट एयरटेल 5G+, मोबाइल में आप जा सकते हैं एयरटेल 5G+ में पेज ऑफिशियल साइट टू चेक हाउ मेनी डिवाइसेस आर येट टू रिसीव एन अपडेट फॉर 5G। मतलब आपके डिवाइस में 5G का अपडेट आ चुका है या नहीं, वो भी आप देख सकते हैं एयरटेल 5G+ ऑप्शन में जाके। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।